हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम प्रॉपर्टी देखने लगे हैं वो देखेंगे हम ओमैक्स में, फेज़ टू में। ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉर्नर का विला है, 300 गज का विला है। इसकी जो इंटीरियर वर्क है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आपको ये वीडियो देख के, ये घर देख के आज मज़ा आने वाला है। और सो बेसिकली क्या है, इस घर में अभी एक फैमिली रह रही है, सो वो कुछ बेडरूम्स हैं जिसको हम कवर नहीं कर पाए, बट जो फ्लोर प्लान है वो फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर का सेम है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें यह है कि इसमें एक बेसमेंट भी बनी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर आप कोई होम थिएटर बनाना चाहते हैं या आप जिम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल स्पेस आपको दिखेगा इसमें। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें क्या क्या है, कहाँ पर है। और इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, एंड जो सेकंड फ्लोर है उस पर दो बेडरूम बने हुए हैं विद हॉल एंड एक छोटी सी किचन भी बनी हुई है। तो ओवरऑल जो ये घर का डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और कॉर्नर का यूनिट है, बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स आते हैं मार्केट में, आपको पता ही होगा कि कॉर्नर के यूनिट्स बहुत ही कम अवेलेबिलिटी होती है जो कॉर्नर के यूनिट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो अभी चलते हैं हम हमारी लोकेशन पे, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये आ जाती है हमारी लोकेशन, ये साइड लुक है, ये आप देख सकते हैं। साथ में रोड के कॉर्नर का यूनिट है, ये स्पेस यूज़ किया गया है एक ट्री के साथ, ये साइड लुक रहेगा आपका। ये पूरा ग्रीन एरिया है साथ में, और ये जस्ट एंटर होते ही गेट से ही हमारा एक एरिया मिल जाता है। ये पूरा ग्लास का वर्क हुआ हुआ है इसमें, ये हमारा एक गेट आ जाएगा जहाँ से आप गाड़ी पार्क करना चाहें तो गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड एक स्पेस ये मिल जाता है फ्रंट पे आपको, सो ये विंडो का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है ताकि नेचुरल लाइट आपके रूम में रहे सारा दिन। सो ये हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, एंड ये आपका मेन डोर है, तो डोर का लुक भी बहुत प्रीमियम है। एंड एंटर होते ही आप देखेंगे तो ये फॉल सीलिंग का वर्क इसमें बहुत ही प्रीमियम काम किया गया है। लाइटिंग भी आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइटिंग की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। ये आपका लिविंग एरिया, फॉल सीलिंग देखें आप कितनी ही ब्यूटीफुल है। एंड इसके जस्ट साथ ही आपको एक छोटा सा पूजा रूम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं लिविंग एरिया के साथ ही। एंड ये यहाँ पे हमें मिल जाता है हमें हमारा डाइनिंग एरिया विद किचन है ये, एंड कंप्लीट फॉल सीलिंग है पूरे घर में ही। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं, 3 वॉशरूम्स हैं। ये किचन का भी साइज़ आप देखेंगे, पूरी मॉड्यूलर किचन है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है किचन का। एंड ये आपका बेडरूम का डोर आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉकरी स्टैंड बनाया हुआ है इन्होंने जस्ट डाइनिंग के साथ ही। तो ओवरऑल जो स्पेस है उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये आप ओपननेस देखें रूम में, आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में कितने निकल के आई है यहाँ पे। एंड सो अभी हम चलते हैं हमारे बेसमेंट की तरफ, ये स्टेयर्स आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट में हम चल रहे हैं अभी। तो बेसमेंट में जैसे आपको पता है कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको दिया गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वे से। इन्होंने एक स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है इसको एक्स्ट्रा, ये आप देख सकते हैं। तो लाइटिंग वगैरह का एसी वायरिंग, एसी भी ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें एक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्पेस देखें आप कितना बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप चाहें एक जिम बनाना, अच्छा ही खासा साइज़ का जिम आपका यहाँ बन जाएगा, और अगर आप होम थिएटर बनाना चाहते हैं तो होम थिएटर भी बना सकते हैं ईजीली यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको पूरा प्लान दिखाऊंगा, एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया एक फैमिली ऑलरेडी रह रही है, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको पूरा प्लान दिखाऊंगा घर का। जो ओवरऑल स्पेस है
फर्स्ट फ्लोर का एंड ग्राउंड फ्लोर का वो सेम है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ये फ्रंट डोर आ जाता है, ये आप डोर का लुक देख सकते हैं। ये फ्रंट पे बालकनी आ जाती है आपकी, विंडो अगेन आपकी काफ़ी अच्छे साइज़ की है। यहाँ पे डोर का डिज़ाइन भी बहुत प्रीमियम है। तो ये एंटर होते ही आपको दिखेगा अगेन सेम वैसा ही डिज़ाइन है जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। ये आपके फॉल सीलिंग आ जाती है, बहुत ही प्रीमियम लुक इसका निकल के आया है। एल शेप में इसका डिज़ाइन किया गया है। ये आपका लिविंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया, सो ये फ्रंट पे हमें फर्स्ट बेडरूम मिलता है। अभी इन्होंने यहाँ पे एक सिंगल बेड वैसे ही लगाया हुआ है। ये आप यहाँ पे भी देखेंगे तो फॉल सीलिंग बेडरूम्स में भी ही बहुत प्रीमियम की गई है। हर एक चीज़ का इन्होंने बहुत ही ध्यान रखा है यहाँ पे डिज़ाइन करते हुए। यहाँ पे जो फर्नीचर है वो मूवेबल है, तो इन्होंने नीचे ही सारा सेटअप किया हुआ है एक्चुअली। ये आपका एसी आ जाता है स्पेस यहाँ पे, एंड वॉशरूम के साथ ही आपको एक वार्डरोब मिल जाती है। ये आपकी वार्डरोब आ जाती है यहाँ पे, तो ये फुल साइज़ वार्डरोब है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ ही हमें मिल जाता है हमारा फर्स्ट वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। तो वॉशरूम का भी जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छे साइज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। हर चीज़ का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रीमियम है। ये आपका शावर एरिया, स्पेस काफ़ी अच्छा यूज़ किया है इन्होंने। अभी चलते हैं हम हमारे दूसरे रूम की तरफ। ये अगेन हमारा एक लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया का आप लोग देख सकते हैं। एंड ये किचन आ जाती है, किचन में जो टाइलिंग है फ्लोरिंग है वो आप देखेंगे तो वो वुडन टच में इन्होंने यूज़ की है, तो स्पेस काफ़ी अच्छा यूज़ किया है यहाँ पे। पूजा रूम जो फ्रंट पे था ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे साइड में आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, यही डिफरेंस है बस एक। बाकी जो साइजेस हैं ओवरऑल रूम्स के, डाइनिंग एरिया के, किचन के, सबके सेम हैं। ये आप देख सकते हैं किचन का स्पेस कितना अच्छा यूज़ किया है इन्होंने। फ्रिज के साथ ही आपका ओवन का स्पेस बनाया गया है, गैस की पाइपिंग भी हुई हुई है ऑलरेडी इसमें। एंड ये आप वुड वर्क देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रीमियम है। सो स्पेस काफ़ी अच्छा है किचन में भी, हर जगह ही आपको स्पेस अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे। ये रेफ्रिजरेटर आ जाता है आपका। ये अगेन आपका डाइनिंग एरिया एंड विद क्रॉकरी स्पेस यहाँ पे बना हुआ है आपका। यहाँ आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो बेडरूम का साइज़ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे निकल के आया है। और वुडन सॉरी ये फ्लोरिंग देखेंगे तो फ्लोरिंग भी काफ़ी प्रीमियम टाइल्स यूज़ की गई हैं यहाँ पे। एंड फॉल सीलिंग अगेन आप बेडरूम में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फॉल सीलिंग है। ये स्टार्स वाला कुछ डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किया है, डिफरेंट स्पेसेस पे लाइट्स लगाई हैं। एंड स्पेस देखेंगे आप बेडरूम में तो बेड लगने के भी फुल साइज़ किंग साइज़ बेड लगा आपका लगा हुआ है। उसके बावजूद आप स्पेस देखेंगे साइड्स में तो काफ़ी अच्छा सा स्पेस है। वो आपका एसी का स्पेस आ जाता है, तो आप लुक देखेंगे कितना प्रीमियम है इसका। एंड अगेन यहाँ पे आपको वार्डरोब जो है वो किचन आपका ड्रेसिंग एरिया दिया गया है अलग से एक वॉशरूम के साथ। तो ये स्लाइडिंग है पूरी वार्डरोब। एंड स्पेस देखें आप इसमें काफ़ी फुल हाइटेड इन्होंने स्पेस यूज़ की है। एंड यहाँ पे आपको एक लुकिंग ग्लास भी मिल जाता है। तो स्पेस देखें आप कितना अच्छा स्पेस का यूज़ किया गया है। एंड ये वॉशरूम अगेन इसका भी साइज़ बहुत अच्छा है,
ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ये डोर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइट है इस डोर की। एंड फिटिंग्स अगेन आप देखें तो काफ़ी प्रीमियम फिटिंग्स हैं, वैनिटी भी और मार्बल का यूज़ भी बहुत अच्छा किया गया है। ये आपका लुकिंग ग्लास आ जाता है अगेन। एंड टाइल्स आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम फिनिश में है, बहुत ही रिच लुक में है ये। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज का वॉशरूम है ये भी। अभी चलते हैं हम हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, सॉरी थर्ड बेडरूम की तरफ। ये आपका लुक रहेगा पूरे हॉल का, देख सकते हैं आप कितना रिच लुक है। ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। स्पेस अगेन आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्पेस का यूज़ किया गया है, साइज़ बहुत ही अच्छा है, एक पूरा किंग साइज़ बेड है लगा हुआ। फॉल सीलिंग अगेन आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है यहाँ पे। ये पूरा लुक है, वार्डरोब इस रूम में आपकी बेडरूम के अंदर ही है क्योंकि इसके साथ जो वॉशरूम अटैच है वो आपके गेस्ट्स के लिए हॉल लिविंग एरिया के साथ भी अटैच किया गया है एक डोर, ताकि टू साइड इसका एक्सेस रहे। ये आपका वॉशरूम आ जाता है ताकि आप इसको एज अ गेस्ट वॉशरूम भी यूज़ कर सकें। साइज़ बहुत अच्छा है, एक सेकेंड डोर आपको यहाँ मिलेगा इसका। डोर के आप हैंडल्स भी अगर नोटिस करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन में है, बहुत ही प्रीमियम लुक में है। ये आप देख सकते हैं ओवरऑल स्पेस अगेन बहुत ही अच्छा साइज है। अभी हम चलेंगे हमारे सेकंड फ्लोर पे। ये हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं, ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स भी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ है स्टेयर्स का। सेकंड फ्लोर पे क्या है, इन्होंने जो टू बेडरूम बनाए हैं तो एक बेडरूम की जगह इन्होंने एक ओपन लॉन बना दिया है, बाहर आप सेटिंग के लिए आपका स्पेस मिलेगा, आपको आप इवनिंग में आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही, एक तो कॉर्नर का यूनिट है तो हवा यहाँ पे आपको बिल्कुल तंग नहीं करने वाली, बहुत ही ओपन फ्रेश एयर मिलने वाली है आपको यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में ग्रीनरी देखेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन आपको व्यू मिलने वाला है यहाँ से। आप देख सकते हैं टोटली ग्रीन एरिया है आउटर में। ये हमारा सेकंड फ्लोर आ जाता है। यहाँ पे आपको एक हॉल दिया गया है, मीडियम से साइज़ का हॉल निकल के आया है यहाँ पे एक विद डाइनिंग एरिया, एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वैसे जैसे आप चाहें, और इधर अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो रेंट आउट भी कर सकते हैं एक छोटी फैमिली को। ये आप स्पेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस है ये भी। यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है, काफ़ी डिसेंट से साइज़ की किचन आपको मिली है यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। ये फिटिंग्स आप देख सकते हैं, ये आपका सिंक एरिया, ये आपके कैबिनेट्स। तो ओवरऑल जो यूज़ है, डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है, हर फेस से ध्यान रखा गया है प्रॉपर्टी की डिज़ाइनिंग में। यहाँ आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल सीलिंग आपको नहीं मिलेगी सेकंड फ्लोर पे क्योंकि ये सिंपल सा ही यूनिट इन्होंने बनाया है रेंटल पर्पस के लिए ही बेसिकली, और इधर आप इसको एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ऊपर आपका सर्वेंट आराम से रह सकता है।
ये यहाँ से लॉक है, तो हम मैं आपको दूसरी साइड से दिखाऊंगा। बेसिकली ये वॉशरूम है, सिंगल वॉशरूम है, आपको ऊपर आपको मिलेगा। ये आपका हॉल आ जाता है अगेन, ये हमारा सेकंड बेडरूम आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा बेड इन्होंने लगाया हुआ है, एक अलमारी भी है यहाँ पे, वार्डरोब। सिंपल लाइटिंग है यहाँ पे। ये विंडोज़ अगेन है, यहाँ पे विंडोज़ का साइज़ भी काफ़ी अच्छा साइज़ है ताकि नेचुरल लाइट रहे आपके रूम में। ये आपका बैक यार्ड आ जाता है, बैक बालकनी। ओवरऑल जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छी है, 302 गज में ऐसा डिज़ाइंस बहुत रेयर मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक ये स्पेस मिल जाती है, आप इसको एज अ वार्डरोब एरिया बना सकते हैं। एक ये आपको वॉशरूम दिया गया है सेकंड फ्लोर पे, फिटिंग्स इसकी डिसेंट सी हैं बट साइज़ जो है वॉशरूम का वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी। आप देख सकते हैं ये वैनिटी लगी हुई है, आप इसको वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं। ये फ्रंट में एक आपको आपको लॉन दिखा देता हूँ, ये आपको एक लॉन मिलेगा फ्रंट पे। एंड इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है जहाँ पे आपकी एसी फिटिंग्स हैं सारी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके एसीज के यूनिट ऑलरेडी फिटेड हैं, कवर्ड हैं, आपके वाटर टैंक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का काम यहाँ पे हुआ हुआ है, सारा कुछ अंडरग्राउंड है आपका। ये सोलर हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, वाटर हीटर। ओवरऑल जो है प्रॉपर्टी वो बहुत ही अच्छी है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉल ज़रूर करें। थैंक यू।